तो हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हम घर से शुरू कर रहे हैं। बेसिकली मैं और फिजा अभी हम जा रहे हैं बाहर एक रेस्टोरेंट में खाने। ये है इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट। आज है मदर्स डे। भाई मदर्स डे तो मुझे समझ नहीं आता कौन सा दिन होता है। पूरा साल ही मदर्स डे होता है, फादर्स डे तो होता ही नहीं है। फादरों को मुंह कौन लगाता है मुझे बताओ एक बात। कल को हम बाप बन जाएंगे, घूम घूम आगे यहाँ पे सिर्फ एक सॉक्स मिलेगी या फिर एक वो मिल जाएगी। हैप्पी फादर्स डे। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। वैसे खैर मर्दों को चाहिए भी नहीं होता, हमें सारा कुछ हम खुद ही ले लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो मदर्स डे हम बनाते हैं, स्पेशली ये देसी लड़के जो अपनी माओ की पिक्चरें लगा रहे हैं, अब तुम्हें अपनी अम्मा बड़ी अच्छी लग रही है। याद है जब तुम्हारी मामा तुम्हारी ईदियाँ चुराती थी? वो लो ना से मदर्स डे पे वापस। ऐसे तुम्हारी यूं ईदी खींचती थी, कहती थी मेरे पास अखबारें संभाल के रखूंगी। कभी अपनी मदर की वाली साइड भी याद किया करो। नहीं मजाक करो यार। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। अल्लाह आप सबकी हम सबकी अम्मियों को लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। एनीवेज इस वक्त सामने फिजा ने ये सेवियां बनाई हुई थी अनलिमिटेड, ठीक है, एज यू कैन सी। और अभी मेरे लिए चाय बनाई है। मैं रास्ते में ना यूजली चाय पीता बजाता हूँ फॉर सम रीजन। हमें टेस्ट टेस्ट करनी चाहिए फिजा की सेवियां ना। पहली बहाने शुरू तो जला जला टेस्ट आ रहा है इसमें से। नहीं आ तो नहीं रहा, शुगर फ्री है तो फिर जरा होगा। कैसे बहाने मारी जा रही बेटी। नहीं नहीं अच्छा बुरा नहीं है, ये ठंडी होंगी तो मजे की होंगी। I'll give it 4 out of 10। नहीं मजे की अच्छी है। ठंडी सेवियां खाने का अपना ही मजा आता है। पता नहीं गर्म कैसे खाते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती। आई लाइक देम कोल्ड। बट एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, हम लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं अपने इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट की तरफ। बेसिकली इंडो चाइनीज इसलिए जा रहे हैं, देखो मैं काफी दफा आपको चाइनीज रेस्टोरेंट्स पे वैसे लेके गया हूँ, लेकिन उनका मसला ये होता है कि वो ना टिपिकल चाइनीज खाना देते हैं। इट्स नॉट लाइक जिस तरह पाकिस्तान में नहीं मिलता था चिकन मंचूरियन चाउमिन और ये सारी चीजें, वो नहीं मिलती वहाँ पे, ठीक है। तो वो बात नहीं होती, वो जो पाकिस्तानी वाले चाइनीज खाने में जो हमें असल खाने का मजा आता था, टॉयन सिचुआन सिंगकोंग यम। तो इंडो चाइनीज जो है ना रेस्टोरेंट, इसका खाना ना कहते हैं लोग ने कंपैरेटिवली पाकिस्तानी और इंडियन में जो चाइनीज मिलता है ना उस तरह का होगा। अब ये जगह रिचर्डसन में खुली हुई है, इसका लिटरली इंडो चाइनीज समथिंग नाम है। ये मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा। नहीं नहीं ये दूसरी जगह है, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा डिटेल रेस्टोरेंट की। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। मैं कब से बोकी जा रहे हैं, हम दोनों बोली जा रहे हैं, पीछे घर से निकले हुए, वो पता चला रिकॉर्ड ही नहीं दबा, इतना कुछ दिखाया था आपको यार। हमारी कॉन्वर्सेशन खैर शुरू हुई थी कि ना एक कपल है हमारे सामने, आपको दिखाया भी था यार रिकॉर्डिंग में। एक बंदा ना कुत्ता लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, बारिश हो रही है ना अभी बाहर, कुत्ता लेके खड़ा हुआ है, साथ बेबी लेके खड़ा हुआ है, और औरत जो है ना वो छतरी लेके जा रही है और गाड़ी पहले खोल के आई है, उसने सेट किया फिर छतरी लेके वापस मियाँ को लेने आई। तो मैंने कहा अभी देखो जेंडर रोल उल्टे होते हैं, हालांकि ये मर्द काम करता है यूजली, लेकिन फिर हम ये बात कर रहे थे कि वो है भी लैटिना मेक्सिकन। चाहे जितना मर्जी मैस्कुलिन और फेमिनिन में डिफरेंट हो ना, लैटिना लड़कियां फिर भी लॉयल होती हैं, देयर नॉट एज बैड एज लाइक यू नो अदर वुमेन। तो फिर हम ये बात कर रहे थे कि लॉयल सबसे ज्यादा कौन से, मतलब सबसे ज्यादा स्कैंडल यहाँ पे अमेरिका में किसके होते हैं, तो सबसे ज्यादा व्हाइट वुमेन के होते हैं, फिर ब्लैक के, फिर बाकी सारे फिर एक जैसे ही होते हैं। एशियन भी जो होती है ना उनके भी बड़े कम होते हैं, लेकिन एशियन जो एशिया से आई होती है मतलब चाइना वगैरह से, जो यहाँ के है ना वो दे आर नॉट इट। यहाँ के जितने भी फैमिलीज है ना, देसी फैमिली हो गई, देसी पाकिस्तानी फैमिली में उधर उनके मसले होते हैं। यहाँ की जो फैमिलीज होती है ना पाकिस्तानी, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ना पाकिस्तान से लड़का या लड़की ढूंढ के लाए, जो अच्छे खानदान जिन्होंने अपने बच्चों को संभाल के रखा होता है वो। हाँ देखो वहाँ से जो उठ के आते हैं यूजली ना पढ़ाई के लिए स्पेशली, वो अच्छे खानदान के ही होते हैं, मेहनती होते हैं। कोई गरीब तो नहीं अपने बच्चे को अमेरिका में भेजता पढ़ने, पहली बात। या कोई गंदे खानदान को तो नहीं बंदा भेजेगा अमेरिका में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को। दूसरा इसने अच्छा पॉइंट, ये मेहनती होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यार हमने एक स्ट्रगल करनी है यहाँ पे आके, हमने पढ़ना है, अपने बाप का इतना पैसा लगा के हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो उनमें एक वो ड्राइव होती है, एक हंगर होती है, यहाँ के लड़कों में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो लोग पैदा ही सिटीजन होते हैं यहाँ, ये लोग तो पैदा ही मतलब लेवल 8 पे होते हैं, हम लोग पैदा ही लेवल 1 और 2 पे होते हैं। तो हाँ वी हैव टू वर्क हार्ड टू क्लाइम दैट लैडर, यू नो आई थिंक दैट मेक्स यू हम्बल राइट। यहाँ पे लोग बहुत ही नम होते हैं। आज मैं एक टिकटॉक देखी थी, उसमें था ना एक लड़की ने अपनी माँ को मैसेज किया था, डू आई हैव अ ग्रीन कार्ड, दिखती यू आर सिटीजन नहीं यार इतना भी डम्बो एक केस है वो, ऐसे भी इतने भी चूतिए नहीं होते लोग यार, वो तो फ्लॉन्ट करते हैं यहाँ पे, यू नो कुछ फैमिलीज होती है लड़के ना इस तरह करके बातें कर रहे होते हैं, लेडीज लाइन अप ग्रीन कार्ड वेटिंग फॉर यू ब्लू पासपोर्ट। लेकिन यार कभी भी ना पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड के लिए अब इस जमाने में अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी ना अभी मैं लाइव में सेशन में बैठा हुआ था, बच्चे कहते हैं ब्लू पासपोर्ट वाली लड़की है बता दे हमें, लड़कियां भी कह रही होती है उसकी जिंदगी पर नौकर बनना
ये समझ लेना, जिंदगी भर नौकर बन जाओगे और यहाँ पे आओगे, पहली बात तुम्हें ना अमेरिकन कल्चर का कुछ पता होगा, ना तुम्हें किसी चीज का पता होगा. दे आर ऑलरेडी वे अहेड ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू दीस थिंग्स. ठीक है, दे माइट एक्सप्लॉइट यू. ग्रीन कार्ड के लिए करना नहीं चाहिए, फैमिली को देख के करनी चाहिए. लेकिन फैमिली देखो कैसी है, लड़के का देखो कि यार वो ड्रिवन कितना है, कितना हम्बल है वो लड़का. ठीक है, लाइफ में उसने कुछ पुटा हुआ है, कुछ खुद किया हुआ है लाइफ के अंदर उसने. अगर उसने लाइफ के अंदर खुद कुछ नहीं किया हुआ ना और उसको बस चीजें मिलती नहीं है जिंदगी में, देन ही वॉन्ट इवन अप्रिशिएट यू एज वेल. लड़कियों के लिए भी है कि लड़कियों को भी टू अ सर्टेन डिग्री कुछ लाइफ के अंदर करना पड़ता है. एंड देन यू नो चेक हाउ फेमिनिन दे आर, घर को किस तरह संभालती है, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए लोगों के साथ हैंडल करें. हाँ, और उसके ज्यादा ये मेल फ्रेंड्स वगैरह ना जो है उसकी कंपनी देखने लड़की की किस तरह है. ठीक है, एजुकेटेड लड़की होनी चाहिए, जिसने पढ़ाई में ज्यादा टाइम लगाया हो कम्पेयर टू लाइक यू नो partying and hanging out, because she won't be a good wife. खैर कहाँ से क्या होगा, बात कहाँ निकल गई. Don't forget to subscribe your boy Musa Khanna and don't forget to follow me on Instagram and on TikTok. We will see you guys later. हम Red Hot Chili Pepper पे पहुँच गए. Chili Pepper नहीं, Red Hot है फिजा के लिए. यहाँ पे पुराना रेस्टोरेंट होता था अड्डा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था. पता नहीं क्यों बंद कर दिया, अपेरेंटली नहीं चला होगा, नॉट गुड. या गुड होगा, कभी कभी यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट होते इतने अच्छे होते चलते नहीं बेचारे. रेड हॉट इंडो चाइनीज इंडियन किचन, बहुत लोग आए हैं इस वक्त यहाँ पे, काफी रश है अंदर. बाहर तो नहीं बैठ सकते, मैं कहता बाहर बैठे, बाहर तो सारा गीला हुआ है चेहरे टेबल. ओ तेरी खैर होए, ये तो लाइन लगी हुई है सारी, अब क्या करेंगे. घुस जाओ आ जाओ ये लाइन में. फिर यहाँ पे ना लाइन बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो टेबल लेके आपसे मिलते हैं. Few moments later. Boys and girls, कह रहा है बंदा 40 to 45 minutes का वेट है. खुदाए और कोई काम नहीं है मेरा, पहले 40 मिनट वेट करो, उसके बाद 40 मिनट खाना आने में लगेंगे, फिर कभी कर लेंगे. चलो मैं दोबारा आपको ले जाऊंगा. तो फिर हम टोक्यो हार्बर जा रहे हैं. टोक्यो हार्बर खुला है ना, आपको पहले भी एक दफा लेके गया हूँ रमजान की सीरीज में. ठीक है, बेगर्स कांट बी चूजर्स. टोक्यो हार्बर बेसिकली हिबाची जो शेफ आके डांस करके नहीं खाने बनाता. लेट्स गो ओवर देयर, इट्स फन दो, इट्स ऑलवेज फन एंड इट्स गुड फूड. बॉयज एंड गर्ल्स, हम आ गए हैं टोक्यो हार्बर पे. हम इधर इसलिए आते हैं हिबाची पे क्योंकि ना हलाल है, तो होपफुली यहाँ पे भी इतना रश ना हो. मदर्स डे है ना, सारे माँ के दिन ही निकले होते, बाप को तो कोई पूछता ही नहीं है. यहाँ पे भी मदर्स डे के लिए ना फुली रश था, लेकिन एक पार्टी की रिजर्वेशन थी वो नहीं आ पाए, तो हमें मिल गई जगह फाइनली. अगर वो आ गए ना तो भाई हम तो बैठ गए, हम हमें नहीं निकालते. जब रेस्टोरेंट में शोर ज्यादा हो जाता है ना, मैं माइक ऑन कर लेता हूँ. वही कर लेते हैं लास्ट टाइम वाला, स्टेक एंड चिकन ना, से कहते हैं दो हलाल ना स्टेक एंड चिकन वाले करते हैं हमें. लो जी, बस शेफ किसी भी टाइम आता होगा. वो बच्चा ना देखी जा रहा है मेरी तरफ, उसकी माँ ना देखी जा रही है, कह रहे की क्या वीडियोस आ गए. बच्चा ना सूप पीते हुए मेरी तरफ ही देखी जा रहा है. One white rice, one fried rice. ये सूप आ गया हमारे पास मजे का. ठीक है, और ये हमारे पास सैलड आ गया. सैलड पे ना कोई मैंगो सॉस डालते हैं, बड़ी मजे की होती है. ठीक है, बारिश का मौसम है भाई. ठीक है, और गर्मा गर्म सूप पीने का अपना ही मजा आ रहा है. इट्स नॉट द बेस्ट मिसो सूप, आई विल गिव इट लाइक 7 out of 10, लेकिन मजे का सैलड टेस्ट है. बहुत मजे की सॉस होती है इनकी सैलेड वाली. इट्स लाइक गार्लिक और कोई मैंगो की सॉस में हुई है. मदर्स डे पे देखो कितना रश होता है, फादर्स डे पे कभी देख लेना कोई नहीं होता, रेस्टोरेंट एम्प्टी पड़े होते हैं. हम भी बाप बनेंगे, हमें भी कोई मुंह नहीं लगाएगा, ऐसा ही है. मैं लगा लूं, मैं आपको चीजें ला के दे दूंगी. चलो ठीक है, फिर सही है. देखो ट्रेन चला रहा है पीछे. हेलो, हैप्पी बर्थडे. ओके ओके ओके, बर्थडे टू यू. बच्चा एम्बैरेस हो रहा है. ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है ही ऐसा. बी केयरफुल योर आईब्रो. जल गई मेरी आईब्रो, जल गई. शुरू में बड़ा मजा आता था, आग लगाता ना गर्मा गर्म आती है. हाँ जी भाई, एक एक हाथ से तोड़ रहा. तो जी चावल और नूडल की परात भी आ गई है. नूडल्स भी देते हैं, राइस भी देते हैं सबको, बॉयज एंड गर्ल्स. ये यहाँ की अच्छी बात है टोक्यो हार्बर की. थैंक यू. इतना शुगर नहीं लगा रहा बेचारा, लगता है बीवी से लड़ाई हो गई जिसकी घर में. यस वेरी सैड. ये थोड़े गर्म होंगे लेकिन ट्राई करते हैं. राइस भी रेडी हो गए. ओह इतने ज़्यादा, ये पूरे गांव को खिला सकता हूँ मैं इतने ज़्यादा राइस. बहुत टेस्टी नूडल्स है. ये देखो ज़रा बॉयज एंड गर्ल्स, राइस का टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं. राइस भी बहुत अच्छे हैं यार इनके. नूडल्स हैं ना जो, लेकिन इनके दिस इज़ लाइक 9.5 out of 10. बहुत मज़े के नूडल्स हैं.
हमें वो भी दे दिए, फ्राइड राइस व्हाइट राइस भी दे दिए, नूडल्स देखो कितने दे दिए, मेरे से आधे से भी नहीं खाए जाने दादा। चेक करो कितना जूसी है श्रिंप, थैंक यू, श्रिंप भी दे दिया हमें एक्स्ट्रा, ये देखो। चिकन भी आ गया हमारा बॉयज एंड गर्ल्स, सब कुछ तो उसने रेडी कर दिया हमारा। बीफ बहुत मजे का यार, मेनियन जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है और इतना टेंडर है ना, बीफ इज लाइक 10 out of 10 पर है, बाची प्लेस 10 out of 10 है, ठीक है। चिकन टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं, ये देखो जरा चिकन। एक बात बताऊं सर, दिस इज द बेस्ट हिबाची एवर है टोक्यो हार्बर। दूसरा हलाल है, तीसरा ये जो शेफ है ना इसने ज्यादा नाचा नहीं है लेकिन उसने खाना सबसे अच्छा बनाया, पिछले वाले ज्यादा अच्छा बनाया। चिकन इज लाइक 10 out of 10 टू, वेरी एक्साइटेड टू ट्राई द श्रिंप, ये देखो जरा। ओए होए होए होए, श्रिंप इज लाइक 9 out of 10। हां सर, नूडल्स के साथ बीफ लेंगे, मैं कहता हूँ क्या मजे आ रहे हैं सर। शेफ ने ज्यादा डांस नहीं किया लेकिन खाना जो बना छोड़ा ना उसने, ग्रोसरी स्टोर पे, ठीक है। क्योंकि ना हमारी बिल्ली का खाना खत्म हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ना मोहल्ले में ना दो बिल्लियां आ गई, तो हमने कैटो का खाना और सारा सामान बाहर मूव कर दिया था ना, दो बिल्लियां आ गई हैं और वो ना कैटो का सारा खाना खा जाती हैं और लिटरली उनकी लड़ाइयां होती है। काले रंग की बिल्ली है और एक व्हाइट वाली बिल्ली है, वो एंड तक आखिरी दाना खत्म कर लेती है। लिटरली हमने लास्ट हफ्ते लिया था और खाना खत्म हो गया, तो इस दफा ना मैं दो बैग पकड़ रहा हूँ, उन बिल्लियों के भी ले लेता हूँ। ये वाला मैं लेता हूँ उसके लिए ना, सेंसिटिव स्किन एंड डाइजेशन। अब वो बिल्लियां जो है ना वो घरेलू बिल्ली है किसी घर की, अब मैं ये वंडर करता हूँ कि यार उनको खाना नहीं मिलता भला। एक बड़ा बैग ले लेते हैं, एक छोटा बैग ले लेते हैं, वो वाली बिल्लियों को भी मैं ही खाना डालता हूँ, फिजा डालते ही खाना, तो वो भी चलो ये सवाब की बात होती है। किसी की बिल्ली अगर आके तुम्हारे घर में खाना खा रही है तो ये अच्छी बात है। मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ घर जाके, आई विल सी यू। देखो बाहर कौन खड़ी है, हाँ देखो जरा, हाँ आ जा घर चेक करेगी पहले। हाँ भाई तेरा ही घर है ये, हाँ भूखी है सुबह का, वो एक आखिरी दाना भी खाली हुआ है, सॉरी सॉरी डालता हूँ। तो ये पानी भी इसका साफ करना गंदा हो रहा है, बेचारी भूखी मारी, आखिरी दाने तक खाली है, वो चोरे ना दो चोरनी आगे खा जाती है इसका खाना बेचारी का। अब ये देखो मैं कितना भरा हुआ है और वो आके ना सारी खा जाती है, अभी फ्रेश फ्रेश है खाएगी कचर कचर करके ना। नहीं इसने नहीं खाना, इसके नखरे ही और हैं, इसने अभी ना बस अंदर आना था, पूरा बफे लगा होता है, खाना खा के पानी पी के फिर निकलती हैं दोनों। और रात को जब इनकी लड़ाई होती है ना हमें यही होता है कि बिल्की इसको तो नहीं पड़ गई वो, हमने सारा सेटअप इधर लगाया हुआ था, ये इसका लेटर बॉक्स की एंट्री है, ये इसका कैटरी वगैरह है, लेकिन ये आती घर में ही सोने सोना है ना जब इसने, तो वो घर ही आके बिल्की सोएगी हमारे मतलब सोफो पे हमारे बेड पे साथ सोएगी। लेकिन जब इसने बाहर जाना होते तो मियाँ मियाँ करके हम इसको फिर निकाल देते हैं। ये पहले ना बाहर ज्यादा देर रह लेती थी, अब असल में ना वो बिल्लियों का टेरर आ गया बाहर, वो व्हाइट वाली का। तो खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत हो गया ब्लॉग को, हम यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टिकटॉक। और मैं सोचूं दोबारा Q&A करूं जिस तरह मैंने लास्ट टाइम किया था, आपको बहुत लोगों को पसंद आया था Q&A लास्ट वाला, तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ओवर देयर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। Go,